एक ऐसी लीगल या कोर्ट रूम ड्रामा जिससे मैंने सच में इतनी उम्मीद नहीं की थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एमएक्स प्लेयर पर एक बिल्कुल नई रिलीज की गई कोरियन ड्रामा मिस हमुराबी की। और आपको इसे पूरा देखने के लिए 1 घंटे 15 मिनट के अराउंड के टोटल 16 एपिसोड्स देखने होंगे। तो अगर आपको इस सीरीज के बारे में बताओ जो बेसिकली कहानी दिखाती है 3 जजेस की, जी हाँ जजेस की। जनरली आपको इस तरह के ड्रामाज में लॉयर्स या प्रोसिक्यूटर से रिलेटेड चीजें दिखाई जाती है, लेकिन इस सीरीज की कहानी आपको जजेस के अराउंड देखने को मिलेंगी। और जजेस के पर्सपेक्टिव से जिस तरह से कहानी दिखाई जाती है या केसेस को सॉल्व किया जाता है और जजेस के माइंड में क्या चल रहा होता है, ये सारी चीजें आपको नई फील होती हैं, जैसा शायद आपने पहले बहुत ही कम देखा हो। अब अगर थोड़ा इस सीरीज की कहानी की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले बताया, ये सीरीज बेसिकली 3 जजेस की कहानी को फॉलो करती है और उसमें भी मेनली 2 लोगों की, जिसमें से एक है बारियुम और दूसरी है ओरियुम। जहां बारियुम एक सुलझा हुआ, काम और एक एक्सप्रेशनलेस जज है, वहीं दूसरी तरफ ओरियुम जिसके अंदर इमोशंस तो मानो कूट कूट कर भरे गए हैं, जो कहीं कुछ गलत होता बिल्कुल नहीं देख सकती और उस पर तुरंत रिएक्ट करती है। और तीसरे है चीफ जज हांस सेंग, जो इन दोनों के ऊपर है, जो ओरियुम के इमोशन को कंट्रोल ना कर पाने और उस कारण लिए गए इम्पल्सिव डिसीजन या बिना ज्यादा सोचे डिसीजन लेने से परेशान है और वो ओरियुम को कुछ समझाना या सिखाना चाहते हैं, पर कौन किसको सिखाएगा या सीखेगा ये तो आपको सीरीज में देखने को मिलेगा। इसके अलावा बारियुम और ओरियुम एक दूसरे को बचपन से कैसे जानते हैं और इन दोनों के बीच कौन सी फीलिंग्स हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको सीरीज में जो लीगल ड्रामा देखने को मिलता है, केसेस देखने को मिलते हैं जो काफी रिलेटेबल होते हैं, जैसे केसेस आप आए दिन सुनते या देखते भी रहते हैं। और जैसा कि ये सीरीज बेसिकली जजेस के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है, तो दोनों साइड की कहानी सुनने के बाद ये डिसाइड करना काफी मुश्किल हो जाता है कि कौन सही है कौन गलत, और ये जो एंगल है मुझे सच में पसंद आया। और साथ ही आप सीरीज के लीड्स के साथ काफी अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं, जिनके पर्सनल और वर्क लाइफ के बीच के रिलेशन को भी बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया है। और साथ ही सीरीज की कहानी ग्रिपिंग इनफ है कि आपको अपने साथ बांधे रखे। पर हाँ, इस सीरीज में सब कुछ परफेक्ट नहीं है, जैसा कि एक लीगल ड्रामा है और इसके साथ इसमें और भी बहुत कुछ चल रहा होता है, तो इसकी कहानी आपको बीच बीच में स्लो भी फील होती है। बाकी ओवरऑल ये एक डिसेंट सी सीरीज है, जिसे देखकर आप बोर तो बिल्कुल नहीं होंगे। बाकी इसके अलावा मैं इसके डबिंग के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद देखिए और बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।